हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर। और मैं हूँ आपके साथ अर्चना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो टॉपिक जो है इस चीज़ पर है जो सभी पेरेंट्स ने जो है कभी ना कभी ज़रूर फेस की होगी, और वो चीज़ है बेबीज़ का रात को बार बार जागना या बार बार उठना। तो ये जो है बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा, पेरेंट्स चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, सभी को ये फेस करना पड़ता है। चाहे आप वर्किंग मदर हो चाहे आप होम मेकर हो, सभी को जो है ये चीज़ फेस ज़रूर करनी पड़ती है। मैंने भी बहुत फेस किया है, अभी भी कभी कभी ऐसा होता है कि फेस करनी पड़ती है। तो ये जो चीज़ें हैं इनका क्या, क्यों बेबीज़ जो है रात को बार बार उठते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए ताकि बेबी जो है रात को एक अच्छी नींद ले, पूरी नींद ले, और साथ ही साथ हम भी जो है सुबह तरोताज़ा उठ पाएँ, क्योंकि हमारी भी नींद जो है पूरी हो पाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कुछ ऐसी पांच चीज़ों के बारे में कि जो कि आपको सीक्वेंस वाइज जो है चेक करनी है अगर आपका बेबी जो है रात को बार बार उठ रहा है। तो ये पांच चीज़ें अगर आप चेक कर चुके हैं फिर भी बेबी बार बार रात को उठता है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ करनी है। तो चलिए जानते हैं उन पाँच चीज़ों के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो हमें बेबी की बार बार उठने पे चेक करनी है वो है बेबी का डायपर। यानी कि अगर एक घंटे में आपका बेबी जो है दो तीन बार उठ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है कि बेबी का डायपर कहीं बहुत ज़्यादा भर तो नहीं गया है, या फिर बेबी का डायपर लीक तो नहीं हो रहा है, बेबी के कपड़े गीले तो नहीं हो गए हैं, या फिर बेबी ने पॉटी या पूप तो नहीं कर दिया है जिसकी वजह से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। तो ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। इसके अलावा आप ये भी चेक कीजिए कि कहीं बेबी को डायपर एरिया में रैश तो नहीं हो गया है। मतलब हो सकता है कि हमसे वो चीज़ मिस हो गई है, हम नहीं देख पाए हैं, और बेबी को रैश की वजह से उसको दिक्कत हो रही है और वो अनकंफर्टेबल है। तो ये सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है जो आपको चेक करनी है। दूसरी चीज़, जब आप बेबी का मान लीजिए डायपर आप चेक कर चुके हैं, सब ठीक है, तो दूसरा जो कारण हो सकता है बच्चे का बार बार जागने का वो ये हो सकता है कि बेबी को जो है भूख लगी हो। देखिए, बच्चा जब 6 महीने से छोटा है बेबी, तो तब तो देखिए बेबी का पेट बहुत छोटा होता है, तो थोड़ा बहुत दूध पीता है और बेबी सो जाता है, तो कई बार उसको जो है उठना पड़ता है रात में भूख की वजह से। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें बेबी को फीड कराना पड़ेगा। पर अगर आपका बेबी 6 मंथ्स के ऊपर हो गया है और आप बेबी को कुछ ऊपर से डाइट खिलाना शुरू कर चुके हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप बेबी को जो है ऐसी डाइट दीजिए सोने से कुछ देर पहले, 15 या आधा घंटे पहले, क्योंकि आपको रूटीन पता चल गया होगा कि बेबी किस टाइम पे सोता है। तो उसके सोने के आधे घंटे पहले आप बेबी को ऐसी डाइट दीजिए, ऐसा खाने की चीज़ें दीजिए ताकि उसका पेट जो है फुल हो जाए, वो अच्छे से नींद ले पाए। अगर बेबी को अच्छे से भूख उसकी पूरी नहीं हुई होगी तो वो रात को बार बार जागेगा। तो इसीलिए अगर बेबी रात को बार बार उठ रहा है तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि बेबी का पेट अच्छे से नहीं भरा है। तीसरी चीज़ जो है वो आपको क्या चेक करनी है कि मान लीजिए आप डायपर भी चेक कर चुके हैं, आप बच्चे को फीड भी करा चुके हैं, पर उसके बाद भी बेबी रो रहा है, तो आपको चेक करना है बेबी को कहीं गैस तो नहीं बन रही, यानी बेबी को कॉलिक तो नहीं हो रहा है। तो बेबी के पेट को आप टच करके देख सकते हो, कहीं बेबी का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, या बेबी गैस पास कर रहा है, तो ये चांस हो सकता है कि बेबी को जो है कॉलिक हो। कॉलिक होने के चांसेस जो 6 मंथ्स के छोटे से छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इस टाइम पे एक तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं डेवलप हुआ होता है, और एक बच्चा सिर्फ दूध ही पी रहा होता है उस टाइम पे, तो इस वजह से बेबी को कॉलिक के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब 6 महीने से छोटा हो। 6 महीने से अगर बच्चा बड़ा है तो भी हो सकता है बेबी को कॉलिक, पर चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी को कहीं कॉलिक तो नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहेगा, बेबी को पेट में दर्द भी होता है और बेबी बता नहीं सकते हैं कि उनको क्या दिक्कत है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आपको जो है बेबी को उसके लिए मेडिसिन आती है वो आप दे सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने पीहू के लिए जो है कॉलिकेड यूज़ किया था, मेरे डॉक्टर ने मुझे वही एडवाइस किया था, तो डॉक्टर ने जितनी डोसेज बताई थी कितना देना है उसके अकॉर्डिंग मैं बेबी को कॉलिकेड देती थी, तो सही थी वो मेडिसिन। डेली नहीं दे सकते हैं, जब बेबी को कॉलिक हो रहा हो सिर्फ तभी देना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके बेबी को भी ऐसी गैस की दिक्कत या कॉलिक की प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको एक बार अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और जो मेडिसिन वो आपको प्रिस्क्राइब करें आपको वो अपने बेबी को देनी चाहिए। इसके अलावा मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा कॉलिक की प्रॉब्लम है तो आप ऐसी चीज़ें बेबी को मत दीजिए जिससे कि गैस बनने के चांसेस हैं। अगर आप बेबी को फीड करा रहे हो तो आपको खुद ध्यान रखना है, जो भी चीज़ें आप खा रहे हो वो भी गैस बनाने वाले नहीं होने चाहिए, और जो बेबी है उसको जो चीज़ें दे रहे हो उसमें खाने के, अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है, अगर आपको कोई भी चीज़ दे रहे हो तो उसमें हींग का इस्तेमाल आप कर सकते हो,
तो इससे जो है बेबी को कॉलिक होने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। तो ये सारी जो तीनों चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, इसके बाद अगला पॉइंट आता है कि कहीं बेबी की क्लोथिंग या फिर जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बेबी को प्रॉपर स्लीप नहीं मिल रही है या फिर वो ठीक से सो नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है, देखिए आपने मान लीजिए बेबी को आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छे से पैक कर दिया है, आपको लग रहा है कि बहुत ठंड है, पर हो सकता है कि बेबी को वो कपड़े काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, उसको ठंड मतलब नहीं लग रही उस टाइम, उसको गर्मी लग रही है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं। तो आप ये चेक कर सकते हो, एक लेयर उतार के देख सकते हो कि शायद बेबी कंफर्टेबल हो जाए, या फिर ये हो सकता है कि आपने जो है कपड़े कम पहना रखे हैं और बेबी को ठंड लग रही है। तो आपको चेक करके देखना है कि क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो बेबी को हो रही है। इसके अलावा जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो भी चेक करना है कि हो सकता है कि आसपास थोड़ा शोर हो रहा है जिसकी वजह से बेबी को थोड़ा स्लीप में डिस्टर्बेंस हो रहा है, या फिर जो आप बेडशीट मान लीजिए, इस बेडशीट पर आप बेबी को सुला रहे हो उसमें थोड़ा मॉइस्चर है, वो थोड़ी गीली रह गई है या एकदम प्लेन नहीं है वो सर्फेस, और अनइवन से सर्फेस थोड़ा सा हो रहा है जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हमें चेक करनी है, या फिर लाइट आ रही है कहीं से और उसको पूरा अंधेरे में सोने की आदत है, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है ताकि हमें पता लगा पाए कि बेबी जो है बार बार क्यों उठ रहा है। फिफ्थ पॉइंट जो है, देखिए वो कोई रीज़न नहीं है कि बेबी बार बार उठता है, बट हाँ ये कहीं ना कहीं जो है अफेक्ट करता है बेबी की स्लीप को, वो ये है कि मान लीजिए आपके बेबी को दिन में सोने की आदत है, मतलब एक उसका पैटर्न सेट हो जाता है कि दिन में वो 1 या 2 घंटे इस टाइम पे सोएगा, फिर शाम को इस टाइम सोएगा। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, जैसे पीहू को जब वो उठती है तो दिन में वो 2 या 3 घंटे सोती है। तो क्या होता था कि कभी कभी हम जैसे मान लीजिए बाहर चले गए कहीं मॉल में या कहीं भी आउटिंग के लिए चले गए, तो क्या होता था उसकी नींद उस टाइम वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो जो 2-3 घंटे की उसकी नींद थी वो पूरी नहीं हो पाई, और जब शाम को लौटे तो वो 6 से 8 मान लीजिए सो गई, तो वो 2 घंटे जो है वो उस टाइम सोई जब उसको नहीं सोना चाहिए था, उसको 9-10 बजे के करीब सोना चाहिए था, यूजुअली वो 10-10:30 के राउंड सोती है। तो ये जो स्लीप पैटर्न में चेंज हुआ इसकी वजह से वो 2 घंटे शाम को सो गई और फिर रात को फिर वो डिस्टर्ब करती है, वो बार बार उठती है। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने फेस की। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि मैंने जो है थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करना शुरू कर दिया कि मॉर्निंग में जब उसका सोने का टाइम है, रूटीन है उसका, उस टाइम पे कहीं ना जाकर जब वो अच्छी नींद लेके उठ जाती थी उसके बाद हम कहीं जाने का प्लान करते ताकि उसकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो और वो अपने जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग सोए, उसके अकॉर्डिंग जो है अपना स्लीप उसका पूरी हो। तो ये चीज़ जो है आप भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए हर बेबी अलग होता है, सबका स्लीप रूटीन अलग होता है, तो आपके अपने बेबी के स्लीप को रूटीन को चेक करना है और उसके अकॉर्डिंग की चीज़ें प्लान कीजिए ताकि वो अच्छे से सो पाए। जब अच्छा नींद लेगा बेबी तो इरिटेटिंग भी नहीं होगा और वो रात को भी अच्छे से सोएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बेबी के स्लीप पैटर्न का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये सारी 5 चीज़ें आप करके देख चुके हैं, बट फिर भी आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन हो गए हैं बेबी जो है हर रात को 4-4, 5-5 बार उठ रहा है, परेशान है, रो रहा है और काफ़ी ज़्यादा वो डिस्टर्ब लग रहा है, मतलब परेशान लग रहा है। तो आपको जो है इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपको जो है डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बेबी को, वो अच्छे से बच्चे को जो है डायग्नोस करेंगे, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ये भी बताना है कि आप ये 5 चीज़ें जो हैं चेक करते हो रेगुलरली कि ये चीज़ उसमें नहीं है, मतलब ये चीज़ प्रॉब्लम बेबी को नहीं हो रही है और हम चीज़ें चेक करते हैं ताकि डॉक्टर जो है अपने एंड से उसको अच्छे से देख पाएँ, चेकअप कर पाएँ कि क्या प्रॉब्लम बेबी को हो सकती है। क्योंकि देखिए बेबी बहुत छोटा होता है, उनको वो नहीं बता सकते हैं कि क्या कारण है जिसकी वजह से वो परेशान है। तो अगर बच्चा 2-3 दिन से लगातार परेशान है, लगातार रो रहा है, स्पेशली रात को, तो आपको जो है एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों की हेल्प हो पाएगी इस वीडियो के थ्रू, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है मैंने भी फेस की है, इसीलिए मैंने टॉपिक जो है सेलेक्ट किया ताकि आप पेरेंट्स की भी जो है हेल्प हो पाए। तो ये 5 पॉइंट्स आप ज़रूर चेक कीजिए अपने बेबी में और ये पता लगा पाएंगे आप कि आपका बेबी जो है वो रात रात भर क्यों उठता है, क्या प्रॉब्लम उसको हो रही है, तो आप ये पता लगा पाएंगे। आप अपनी वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।